साथियों, आपको याद होगा सरदार पटेल की जयंती यानी एकता दिवस के अवसर पर मन की बात में हमने तीन कॉम्पिटिशन्स की बात की थी। ये प्रतियोगिताएं देशभक्ति पर गीत, लोरी और रंगोली इससे जुड़ी थी। मुझे ये बताते हुए खुशी है देश भर के 700 से अधिक जिलों के 5 लाख से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी ने इसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी की और 20 से अधिक भाषाओं में अपनी एंट्रीज भेजी है। इन कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। आप में से हर कोई अपने आप में एक चैंपियन है, कला साधक है। आप सभी ने यह दिखाया है कि अपने देश की विविधता और संस्कृति के लिए आपके हृदय में कितना प्रेम है। साथियों, आज इस मौके पर मुझे लता मंगेशकर जी, लता दीदी की याद आना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि जब ये प्रतियोगिता प्रारंभ हुई थी उस दिन लता दीदी ने ट्वीट करके देशवासियों से आग्रह किया था कि वे इस स्पर्धा में जरूर जुड़े। साथियों, लोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन में पहला पुरस्कार कर्नाटका के चामराजनगर जिले के बीएम मंजुनाथ जी ने जीता है। इन्हें ये पुरस्कार कन्नड़ में लिखी उनकी लोरी मलगु कंदा के लिए मिला है। इसे लिखने की प्रेरणा इन्हें अपनी माँ और दादी के गाए लोरी गीतों से मिली। आप इसे सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। मलगु कंदा मलगु कोसे मलगु नन्न जान मरिए हगलु कड़ेदु इरुळु नेरेदु ನಿದಿರ ದೇವೆ ಬರುವಳಯ್ಯ ತಾರೆಗಳ ತೋಟದಿಂದ ಕನಸ ಕೊಯ್ದು ತರುವಳಯ್ಯ ಮಲಗು ಕಂದ ಮಲಗು ಕೂಸೆ ಜೋ 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 ಅಸಮ್ಮೆ ಕಾಮರೂಪ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ರಹನೆ ವಾಲೆ दिनेश गोवाला जी ने इस प्रतियोगिता में सेकंड प्राइज जीता है। इन्होंने जो लोरी लिखी है उसमें स्थानीय मिट्टी और मेटल के बर्तन बनाने वाले कारीगरों के पॉपुलर क्राफ्ट की छाप है। कोहार को काए मुनाती यानी से मुनाती असेनु खुली साई देखिलु कोहारोर मुनाती मुनाते हासे बानबाती हमारे मोइनाय कोहारो खुदी साई किनुई बानबाती। गीतों और लोरी की तरह ही रंगोली कंपटीशन भी काफी लोकप्रिय रहा। इसमें हिस्सा लेने वालों ने एक से बढ़कर एक सुंदर रंगोली बनाकर भेजी। इसमें विनिंग एंट्री पंजाब के कमल कुमार जी की रही। इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अमर शहीद वीर भगत सिंह की बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई। महाराष्ट्र के सांगली के सचिन नरेंद्र अवसारी जी ने अपनी रंगोली में जलियांवाला बाग, उसका नरसंहार और शहीद उधम सिंह की बहादुरी को प्रदर्शित किया। गोवा के रहने वाले गुरुदत्त वांटेकर जी ने गांधी जी की रंगोली बनाई, जबकि पुडुचेरी के मालाती सेल्वन जी ने भी आजादी के कई महान सेनानियों पर अपना फोकस रखा। देशभक्ति गीत प्रतियोगिता की विजेता टी विजय दुर्गा जी आंध्र प्रदेश की हैं। उन्होंने
तेलुगु में अपनी एंट्री भेजी थी। वे अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी नरसिम्हा रेड्डी गारू जी से काफी प्रेरित रही है। आप भी सुनिए विजय दुर्गा जी की एंट्री का यह हिस्सा। रेनाटी सूर्युडा वीर नर सिंहुडा भारत स्वातंत्र समरपु अंकुरानी विनीवुरा अंकुशानी विनीवुरा अंकुशानी विनीवुरा తెల్ల దొరల నీతి లేని నిరంకుశ పూద మన కాండకు సలసలమని మరిగిన నీ నెత్తుటి ఎర్రని కాకలు రేనాటి సూర్యుడా వీర నరసింహుడా। తెలుగు కే బాద్ అబ్ మే ఆప్కో మైథిలి మే ఏక్ క్లిప్ సునాతా హూ। ఇసే దీపక్ వత్స జీ నే భేజా హై। ఉన్హోనే భీ ఇస్ ప్రతియోగితా మే పురస్కార్ జీతా హై। भारत दुनिया के शान छयो भैया हमर देश महान छै। तीन बगल छै समुद्र से घेरल उत्तर में कैलाश बलवान छै। गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कोसी कमला बलान छै। हमर देश महान छयो भैया तिरंगे में बसल प्राण छै। साथियों मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रतियोगिता में आई इस तरह की एंट्रीज की लिस्ट बहुत लंबी है। आप संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर इन्हें अपने परिवार के साथ देखें और सुने, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी।